नमस्कार, बोलते तारे आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ सोनाली ठाकुर। कलयुग के देवता कहे जाने वाले बजरंग बली की पूजा और उपासना के लिए मंगलवार का दिन सर्वोत्तम माना जाता है। यहाँ लोग हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार और शनिवार का व्रत करते हैं। मंगलवार का व्रत करना हनुमान जी के भक्तों के लिए बहुत लाभकारी होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है तो ऐसे में उन्हें मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। मंगलवार के व्रत से हनुमान जी प्रसन्न होकर संतान प्राप्त का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन व्रत करने से शत्रुओं का नाश होता है और साथ ही शनि देव से भी मुक्ति मिलती है। लेकिन व्रत पूजा की विधि क्या है, आइए आपको बताती हूँ। मंगलवार का व्रत कोई भी व्यक्ति किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन शुरू कर सकता है। इस व्रत को 21 या 45 मंगलवार तक रखा जा सकता है। कई लोग तो इस व्रत को आजीवन भी रखते हैं। चलिए आपको बता देती हूँ कि व्रत रखते समय आपको क्या कुछ सावधानी बरतनी है और भूल कर क्या कुछ काम आपको नहीं करने हैं। इस व्रत को करने के लिए मंगलवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके लाल रंग के वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद घर के ईशान कोण में हनुमान जी के आसन के लिए चौकी रखें और हनुमान जी के मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। ध्यान रखें कि हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं, इसलिए इनके साथ आप भगवान राम और माता सीता की मूर्ति या चित्र भी जरूर स्थापित करें। अब अपने हाथों को जल लेकर हनुमान जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें और धूप दीप जलाकर भगवान राम और माता सीता की आराधना करें। इस पूजा में हनुमान जी को आप लाल रंग के पुष्प वस्त्र सिंदूर आदि चढ़ाएं। हनुमान जी को रुई में तेल डालकर अर्पित करें। इसके बाद हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। और चलिए अब आपको बताती हूँ मंगलवार व्रत करने के क्या कुछ लाभ होते हैं। मंगलवार का व्रत करने से हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, साथ ही कुंडली में मंगल से जुड़े जितने भी दोष होते हैं समाप्त हो जाते हैं। मंगलवार का व्रत करने वाले व्यक्ति को हनुमान जी के सम्मान, साहस और शक्ति का आशीर्वाद देते हैं। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही है उन्हें हनुमान जी के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति होती है। और ये थे मंगलवार व्रत की पूजा विधि और लाभ। और अब चलिए आपको राशिफल की तरफ लिए चलती हूँ और जानते हैं कि मंगलवार के दिन आपके तारे क्या कुछ बोल रहे हैं। और शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। किसी के घर जाने का निमंत्रण आ सकता है या फिर घर से ही कोई सदस्य आपको कहीं चलने को कहेगा, ऐसे में मना ना करें और वहाँ अवश्य जाकर आए। और चलिए अब मेष राशि वाले जातकों के लिए लकी नंबर और लकी कलर क्या है आपको बता देती हूँ। आपका लकी नंबर 7 है और लकी कलर श्वेत है। और लकी नंबर और कलर के बाद वृश्चिक राशि की बात करेंगे और जानेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। छात्रों को आज के लिए कुछ रचनात्मक करने का मन करेगा, माता पिता का भरपूर साथ मिलेगा और घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान भी हो सकता है। चलिए आपका लकी नंबर और कलर जान लेते हैं। आपका लकी नंबर 5 है और लकी कलर भूरा है। और अब बात करेंगे मिथुन राशि की। प्रेम संबंध में है तो आज आप अपने प्रेमी के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान कर सकते हैं। यदि दूर रहते हैं तो उनके लिए कुछ स्पेशल करने का विचार मन में आएगा। चलिए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए लकी नंबर और कलर जान लेते हैं। आपका लकी नंबर 4 है और लकी कलर ग्रे है। और अब कर्क राशि की बात करते हैं और जानेंगे कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। पेट दर्द की शिकायत रहेगी, इसलिए बाहर का खाना ना खाएं और घर का पौष्टिक भोजन का ग्रहण करें। परिवार में सभी के बीच आपसी प्रेम बढ़ेगा। और चले कर्क राशि वाले जातकों के लिए लकी नंबर और कलर जान लेते हैं। आपका लकी नंबर 6 है और लकी कलर स्लेटी है। और अब बात करेंगे सिंह राशि की। नौकरी की खोज कर रहे हैं तो आज के दिन कुछ अच्छे ऑफर हाथ में आएंगे, लेकिन ध्यान ना देने से वे आपके हाथ से निकल सकते हैं, इसलिए इन्हें हाथ से ना जाने दें। चलिए आपका लकी नंबर और लकी कलर बता देती हूँ। आपका लकी नंबर 3 है और लकी कलर काला है। और अब बात करेंगे कन्या राशि की। घर का माहौल धार्मिक रहेगा और शाम के समय मंदिर जाना भी हो सकता है। सभी साथ में मिलकर कहीं घूमने जाने का भी प्लान कर सकते हैं। चलिए कन्या राशि वाले जातकों के लिए लकी नंबर और कलर बता देती हूँ। आपका लकी नंबर 7 है, लकी कलर नीला है। और अब बात करेंगे तुला राशि की और जानेंगे तुला राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहने वाला है। मैनेजमेंट के क्षेत्र में जॉब कर रहे लोगों को आज अपने ऑफिस की पॉलिटिक्स से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए ही उल्टा दाव पड़ सकता है और नौकरी खतरे में आ सकती है। और अब तुला राशि वाले जातकों के लिए लकी नंबर और लकी कलर क्या है बता देती हूँ। आपका लकी नंबर 5 है, लकी कलर लाल है।
और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। परिवार में सभी आपसे खुश तो होंगे, लेकिन आप संतुष्ट नहीं दिखाई देंगे। किसी बात की चिंता आपको लगी रहेगी। ऐसे में आपके किसी मित्र से उस परेशानी को साझा करेंगे तो बेहतर रहेगा। और अब वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए लकी नंबर और कलर आपको बता देती हूँ। लकी नंबर आपका 9 है और लकी कलर आपका पीला है। और अब लकी नंबर और कलर के बाद धनुराशि की बात करते हैं और जानेंगे धनुराशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। किसी के प्रति आकर्षण है तो उससे बातचीत शुरू कर सकते हैं। ऐसे में उत्तेजित होने से बचें और पहले बार में ही सब कुछ ना कह डाले। और चलिए धनुराशि वाले जातकों के लिए लकी नंबर और कलर आपको बता देती हूँ। आपका लकी नंबर 8 है, लकी कलर आपका गुलाबी है। और अब बात करेंगे मकर राशि की। किसी बात को लेकर कुछ दिन से परेशान है और उसका हल नहीं मिल पा रहा है तो आज के दिन वो समस्या हल हो जाएगी, जिस कारण आपका मन भी प्रसन्नचित रहेगा। और अब मकर राशि वाले जातकों के लिए लकी नंबर और कलर आपको बता देती हूँ। आपका लकी नंबर 4 है, लकी कलर आपका नारंगी है। और अब कुंभ राशि की बात करेंगे। मित्रों में से किसी के साथ आपकी अनबन हो सकती है, लेकिन आप उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। आपका काम करने पर ही आपका ध्यान रहेगा। और चलिए कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आपका लकी नंबर और कलर बता देती हूँ। आपका लकी नंबर 3 है, लकी कलर आपका आसमानी है। और अब बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। विवाह की प्रतीक्षा में है तो आज आपके लिए मामा पक्ष से किसी अच्छे परिवार का रिश्ता आ सकता है, जो घर में भी सभी को पसंद आएगा। और चलिए आपका लकी नंबर और कलर बता देती हूँ। आपका लकी नंबर 1 है, लकी कलर आपका संतरी है। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।